हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखोगे आप 8.3 का सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन भी फाइंड द प्रोडक्ट ही है, बट थोड़ा नॉर्मल तरीके से नहीं है, थोड़ा टिपिकल सा दिख रहा है, बट हम आपको सॉल्व करके देंगे। थोड़ा हार्ड वे में जरूर दिख रहा है, बट कोई बात नहीं है, हम आपको पूरा कंप्लीटली देंगे। तो देखो इसमें क्या लिखा है, प्रोडक्ट पहले से मल्टीप्लाई पहले से सिंबल है, तो हमने प्रोडक्ट निकाल के देना है। तो हमारा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई 2a की पावर 22 मल्टीप्लाई 4a की पावर 26। सबसे पहला जो न्यूमेरिकल पार्ट है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो कर दो, तो 8 हो रहा है। अब देखो a हमारा सब में है, a यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है, तो इसका मतलब जब मल्टीप्लाई होता है तो हमारी पावर प्लस हो जाती है, तो a तो बनेगा ही बनेगा। और पावर देख लेते हैं, 2 24 और 24 और 26 50। तो देखो जब प्लस करेंगे 24 और 26 हमारा 50 ही आएगा, तो ए की पावर 50। इस टाइप से इसका आंसर निकलना है, बहुत इजी था। देखो नेक्स्ट पार्ट लिख लेते हैं आपके लिए। अब सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या है, 2/3, ध्यान से देखना, एक्स वाई 2/3 और एक्स वाई है। नेक्स्ट आता है हमारे पास मल्टीप्लाई माइनस का 9/10 x² y² ये मल्टीप्लाई में। अब जब मल्टीप्लाई में है तो हम इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं फ्रैक्शन को, जैसे कि मुझे दिख रहा है 2 5 जा रहा है, 2 5 जा हो जाएगा और ये 3 2 जा हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा है, ये बचा है हमारे पास एक्स वाई, इधर से गायब हो गया है, मल्टीप्लाई माइनस का 2/3 x² y² तो आंसर फाइनल क्या बनना चाहिए। देखो आंसर तो -2/3 न्यूमेरिकल वैल्यू तो यही बचा है, और एक्स की पावर क्यूब हो जाएगी, x³ और y³। इस टाइप से इसका आंसर निकलना है, बहुत इजी था। बस हमें इसमें कैंसिल आउट करा है, फ्रैक्शन थी तो फ्रैक्शन को पहले सिंपल तरीके से जो भी कैंसिल हुआ कैंसिल करा है, और उसके बाद हमने प्रोडक्ट बना दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। थर्ड पार्ट इसका देखो, इरेज करूंगा, आप वीडियो पॉज करके नोट करें। थर्ड पार्ट हमारा इसका देखो, थर्ड भी कुछ ऐसा ही है, बट कोई बात नहीं, हम आपको करके दिखाएंगे। थर्ड पार्ट क्या है, -10/3, -10/3 है, और पी क्यू का स्क्वायर मल्टीप्लाई 6/5 पी क्यूब एंड क्यू, इस टाइप से है हमारे पास। अब देखो हम कैंसिल कर सकते हैं, जो डिवाइड में है, डिवाइड का मल्टी जब मल्टीप्लाई होती है फ्रैक्शन, देखो 2/3 लिखा है मेरे पास, मल्टीप्लाई 6/2 लिखा है, तो हमारा है, जो दिख रहा है मल्टीप्लाई तो हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई भी कर लेंगे पहले, चाहे हम क्या हो जाएगा 12/6, तो फिर बाद में भी कैंसिल करना है तो स्टार्टिंग में ही हम कैंसिल कर लेते हैं इसको, जैसे कि हमारा 3 के टेबल में 2 आता है तो 3 2 जा चला जाएगा, इस टाइप से हम कैंसिल करते हैं। तो देखो उसमें भी हम वही काम करेंगे, मल्टीप्लाई में रखा है प्रोडक्ट हमारे पास, तो 3 2 जा हो जाएगा, और क्या हो रहा है हमारे पास 5 2 जा हो जाएगा। तो आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, आंसर आ रहा है -2 pq² यहां से नीचे तो 1 हो गया, 1 की कुछ वैल्यू नहीं, मल्टीप्लाई यहाँ 2 pq एंड q, नीचे 1 है तो 1 हो जाएगा, कुछ वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, -4, -2 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो -4, आगे p की पावर 4 हो जाएगा, p इधर 1 है और उधर 3 है, तो p की पावर 4 एंड q क्यूब, इस टाइप से इसका आंसर है। लास्ट पार्ट इसका हमारा फोर्थ पार्ट, देखो लास्ट पार्ट क्या है हमारा इसका फोर्थ पार्ट, x² मल्टीप्लाई x³ मल्टीप्लाई x³ की पावर 4। बस न्यूमेरिकल तो इसमें है ही नहीं, तो हमारा क्या दिख रहा है, कॉमन चीज एक्स बेस सेम देख रहा है, और बाकी सबको प्लस, 1 पावर 2 3 3 और 3 6 6 और 7 6 और 6 और 4 6 और 4 10, x की पावर 10, दो 4 और 3 7 7 और 2 9 और 1 इसकी भी थी 10, तो x की पावर 10 इसका आंसर है, बहुत इजी। देखो इतने बड़े प्यार के साथ हम क्वेश्चन करा रहे हैं आपको, आशा करते हैं आपको जरूर आने चाहिए। बाकी जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में रखे हैं, आप वीडियो पॉज करें नोट करें। आज के लिए धन्यवाद।